भाई इसको 4 डोर हम पावर विंडो बना देंगे, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 2 ही आगे आगे फ्रंट में पावर विंडो दे रखी है। आप देख सकते हो, चेकआउट कर लो भाई कैसे दिया हुआ है इसमें। और इसके अंदर एंड्रॉइड हमने इंस्टॉल कर दिया था पहले ही। और इसके अंदर साइड में हम इस स्पीकर भी इंस्टॉल करेंगे एडिशन के। और ये मैन वाली जो हाथ से शीशा रोलर है चढ़ता है शीशा ऊपर और हाथ से उतरता है, इसके अंदर लगाएंगे हम पावर विंडो। गेट ये हमने ओपन कर दिया इसका डोर को। उसके बाद इसके अंदर जो लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कैची इस तरह की आई हुई होती है। जो कैची कंपनी ने लगा के दे रखी, इसको हम बाहर कर देंगे, निकाल देंगे इसको, सीधा इसको रोलर करके नीचे से सामने बोल्ट है 10 की टी लगेगी इसको खोलने के लिए, शीशा ऊपर फंसाएंगे हम और इसके बाद इसे निकालेंगे बाहर। बाकी ये काम वायरिंग वगैरह भी, तो भाई ये हमारे जो नट है गोल वाले इसको खोलेंगे। मशीन है भाई, और ड्राइवर साइड के पीछे वाली है। भाई ये इसकी पैकिंग है और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसकी वायरिंग के बारे में वो सब लिखा हुआ है, कौन सी गाड़ी में क्या लगना है। और इसकी वायरिंग है 2 डोर की वायरिंग ये है, एल्टो नेक्सॉन टिगोर इन सब गाड़ियों में ये चीज़ लगती है। इसके अंदर एक प्लेट निकली है जो मतलब इसको एडजस्ट करेगी, मतलब पेच वेच लगाने के लिए शीशे को, और ये इस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। और ये इस तरह से बनावट इसकी बनी हुई है, चेकआउट कर सकते हो भाई, और इसको देख के ही आप समझ के लगा सकते हो कैसे लगनी है। प्लेट को लगाएंगे, देखो ये जो रियर की राइट है ये देखो, तो प्लेट इस तरह से लगेगी, कैंची हमारी ऐसी आई थी और इसको ऐसे फिट करेंगे, यानी कि इसके जो छेद है इसके अंदर फिट कर देंगे, इसको इस तरह से फिट कर देंगे प्लेट को। फिर जब शीशा नीचे आएगा तो इसके छेद के पास में हम इतनी दूरी पे इसको टाइट कर देंगे चढ़ा, और टाइट हम चेक करके कैंची को अप डाउन करके चेक कर लेंगे। फिर इसको डालेंगे इसके अंदर ऐसे, बैटरी पर तार लगा के, ये मैं बैटरी पर तार लगा के लाया हूँ और इसको ऊपर नीचे चेक करने के लिए, तो ऊपर नीचे करके मैंने इसको कैंची को अपने इस छेद के अंदर ले आया हूँ बोल्ट टाइट करने के लिए इसका। और ये ऐसे लगती है देख लो, रिले है जो पावर विंडो की, जो रिले है जो उसको पावर देती है, और इसके अंदर क्या वायरिंग है, ये तो फ्यूज लगा होता है ये तो पता ही होता है भाई, ये प्लस का होता है। और इसके अंदर क्या हुआ है, ये पतली वाली वायर जो है इग्निशन की तार है, ब्राउन वाली तार, और ये लंबी वाली वायर दिखाई दे रही है आपको, ये अपने कंडक्टर साइड में जाएगी और ये ग्राउंड है, ये इसका ऐसा कपलर है, लाल वाला वायर बीच में लगा हुआ है, और ये मोटर की वायर, ये इसमें लग जाएगी मोटर की वायर, और ये अपना ऐसे है इसकी वायरिंग ग्रे और ग्रीन। ये जो ग्राउंड लगानी है इसको, ठीक है, बॉडी ग्राउंड, ये 2 वायर और 2 वायर यहाँ देखो, ये बॉडी ग्राउंड हो जाएगी।
वो चलाए इसमें जो फीड होते हैं। आई वो